शाजापुर में आज बस स्टैंड पर बापचा निवासी परिवार समाजजन महिलाओं सहित धरने पर बैठे हैं, जहां पर उन्होंने जमकर शाजापुर पुलिस को आधे हाथ लिया है एवं लाल घाटी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पिता का नाम देवीलाल है, जो कि विगत दिनों से उनके पिता को किन्हीं लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक हत्या की थी, लेकिन पुलिस के द्वारा हत्या का मामला दर्ज न करते हुए सड़क हादसे का मामला दर्ज किया गया, जिसको लेकर पीड़ित परिवार बस स्टैंड पर धरने पर बैठ गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब तक उनके पिता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन भी सौंपा गया। देखिए, ग्राम बापचा की घटना है। जो मृतक है देवीलाल जी बासा, वो पिछली 14 तारीख को उनका हत्या हुई थी। उस हत्या के विरोध में आज का धरना प्रदर्शन रखा गया है। अब इन्होंने क्या है कि परिवारजनों ने आला अधिकारियों तक निवेदन कर करके ये थक गए, आवेदन दे करके थक गए, लेकिन आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं। अब मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि जो एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट का रूप हम समझ सकते हैं। जैसे पीछे से अगर कोई मोटरसाइकिल आपको देती है तो आगे का हिस्सा आपका डैमेज होगा, ठीक है, लेकिन पीछे का हिस्सा भी डैमेज है, तो ये कैसा एक्सीडेंट है? समझ में नहीं आता क्या? मोटरसाइकिल ऐसे चढ़ा करके यहाँ मारी थी, फिर गिरा आदमी क्या? तो पहली चीज़ तो ये। अब जब कोई आगे से, सामने से अगर कोई मोटरसाइकिल आगे एक्सीडेंट करता है तो पीछे का हिस्सा, लेकिन उस व्यक्ति का जो फोटो देखा है मैंने, तो चारों तरफ से डैमेज है। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से हत्या की गई है, और इस हत्या को दबाने का प्रयास पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है, और उसको एक्सीडेंट का नाम दिया गया है। अब ये पीड़ित परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारा धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। मनोहर सिंह कटारी। मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई है, उसके बारे में हम धरने पे बैठे हुए। किन लोगों ने कर दिया आपके पिताजी की हत्या? राधेश्याम दाइमा, मेरे पिताजी की हत्या करी है उनने। मेरे को कॉल किया गया कि तुम्हारे पिताजी बेहोश की हालत में रोड पर पड़े हुए, राकेश बंजारा ने मेरे को बताया। मैं वहाँ पहुँचा तो मैं पहुँचा ही सही, और एम्बुलेंस आ गई थी, लेके जिला अस्पताल आया मैं। यहाँ आया तो यहाँ के डॉक्टरों ने रेफर कर दिया गया इंदौर के लिए। मैं इंदौर लेके गया, उसमें राकेश बंजारा मेरे साथ में था, राधेश्याम दाइमा का लड़का भी साथ में था। मेरे को पता नहीं था कि क्या हुआ है। बाद में दोनों आपस में बात कर रहे थे, जब मेरे को पता लगा कि कुछ घटना कुछ और है, इंदौर लेके गए। एमवाई में बोला गया मेरे को कि यहाँ पे तो एडमिट नहीं कर रहे हैं। उनने बोला क्या करे, तो वहाँ से वापस लेके सायपुर लेके आ गए। फिर जिला अस्पताल में मैंने एडमिट करवाया मेरे पिताजी को। यहाँ पे डॉक्टरों ने बोला ऐसा नहीं होता है, एमवाई में एडमिट क्यों नहीं करा? इन्हें बोला ये बोल रहे कि नहीं करा। मैं तो मेरे पिताजी को संभाल रहा था, मेरे को पता नहीं क्या हुआ है, क्या करा है इन लोगों ने। यहाँ से वापस दूसरे दिन 15 तारीख को यहाँ से वापस रेफर करा गया, फिर एमवाई ले गया मैं, वहाँ एडमिट करा, एक दिन इलाज चला। 17 तारीख को एक्सपायर हो गए थे मेरे पापा। थाने लाल घाटी गया उनके लिए रिपोर्ट करने के लिए, तो उनने बोला कि अभी वो कोतवाली से हमारे पास में कुछ आया नहीं है लिखा हुआ, हमारी FIR नहीं लिखी उनने। उसके बाद में कई दिन हो गए मेरे को जाते जाते, वहाँ पे लाल घाटी थाना जाता हूँ, वो बोल देते कि नहीं नहीं PM रिपोर्ट आएगी जब हम FIR काटेंगे। अब उनने उनकी मर्जी से FIR काट दी और बोल दिया तो एक्सीडेंट केस है। मेरे पिताजी को मारा गया, राधेश्याम मंत्री और उसके दोनों लड़के वहाँ मौजूद थे, मैंने देखा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मेरा नाम जितेंद्र देवीलाल बापचा। शाजापुर से दिलीप सोराष्टे की रिपोर्ट।